हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी सुपर टेस्टी वनीला आइसक्रीम, वो भी सिर्फ दूध से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ 1 kg फुल फैट मिल्क ली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। इसे सबसे पहले अच्छे से बॉयल होने देते हैं, और बीच बीच में इसे नीचे से चलाते भी रहेंगे ताकि दूध जो है वो नीचे से ना लगे। अभी दूध में बॉयल तो नहीं आया है, पर ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से आधी छोटी कटोरी दूध बाहर निकाल लेंगे, और कटोरी वाले दूध को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि दूध और अच्छे से गाढ़ी हो जाए, और साइड से जो मलाई है उसे भी हटाते रहेंगे। नीचे से भी चलाते रहेंगे दूध को ताकि नीचे से ये ना लगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। इधर कटोरी का दूध भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर मिला देंगे। तो यहाँ मैं 3 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दूध को अच्छे से ठंडा जरूर कर लें, क्योंकि गर्म दूध में कस्टर्ड अच्छे से नहीं घुलता है। तो ये रेडी हो चुका है। अब दूध में थोड़ा थोड़ा करके वनीला कस्टर्ड पाउडर को मिलाते जाएंगे। तो एक साथ पूरा नहीं मिलाना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, और दूध को भी हिलाते जाना है। ये देखिए, अब साथ में इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो मैं इसमें टोटल 8 बड़ा चम्मच चीनी ले रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 से 3 चम्मच चीनी और बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वनीला कस्टर्ड पाउडर और चीनी डालने के बाद आपको इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। नीचे से और साइड से दूध को चलाते भी रहना है ताकि कस्टर्ड तली से ना चिपके। तो इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। दूध कितना कम हो चुका है आप देख सकते हैं, दूध का एक पार्ट जल चुका है। तो इसे आप पंखे के नीचे या फिर ऐसे भी ठंडा कर सकते हैं। बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है गाइस, ताकि इसके ऊपर एक मोटी सी मलाई ना जमे। तो यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये थोड़ी और गाढ़ी हो गई है। अब घर की जो मलाई होती है ना, दूध की मलाई, इसमें आधी छोटी कटोरी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला देना है। आप लोग इसमें घर की मलाई के साथ साथ 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, पर मैं इसके बिना ही बना रही हूँ। इसके बावजूद ये आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी बन के रेडी होगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिल चुका है। अब क्या करना है कि इस दूध के मिक्सचर को एक एयर टाइट डब्बे में भर देंगे, और इसके ऊपर सिल्वर फॉइल या फिर बटर पेपर लगा के इसके ढक्कन को लगा देंगे। ऐसा करने से होता क्या है फ्रेंड्स, कि आइसक्रीम के ऊपर आइस की क्रिस्टल नहीं पड़ती है। तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अभी 4 से 5 घंटा हो चुका है, तो देख लेते हैं आइसक्रीम को। ये देखिए, अभी ये पूरी तरह से जमी नहीं है। तो अब क्या करना है कि आइसक्रीम को एक मिक्सी ग्राइंडर में निकाल के इसे बस 12 से 15 सेकंड के लिए ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्राइंड करने वाले प्रोसेस को हर 4 से 5 घंटे पे 2 से 3 बार के लिए रिपीट करेंगे ना, तो आपकी आइसक्रीम और भी ज़्यादा स्मूथ बनेगी। तो ये देखिए, रेडी हो चुका है। अब सेम बॉक्स में इसे निकाल लेंगे, सिल्वर फॉइल लगा देंगे, और इसे ओवरनाइट या फिर 9 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 9 से 10 घंटा हो चुका है, तो चेक कर लेते हैं आइसक्रीम को। तो ये देखिए, कितने अच्छे से जम चुका है, और वाह, आइसक्रीम जमी भी बहुत ही स्मूथ है। तो फ्रेंड्स, फ्रीजर से निकालने के बाद अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद ही इसे सर्व करें। तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी वनीला आइसक्रीम, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से, कोई बाजार की क्रीम नहीं, कोई कंडेंस मिल्क नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये वनीला आइसक्रीम की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।